रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न एंड वेजिटेबल सूप। ये जो सूप है ये हमारे सबको बहुत पसंद है और सर्दियों में तो वैसे ही सबको बहुत अच्छा लगता है। और ये 6 गिलास पानी मैंने बर्तन में डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 kg चिकन, और चिकन जो है वो हड्डी वाला होना चाहिए। और अब मैं इसमें डालूँगी चिकन के बाद ये 1 मीडियम प्याज है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। ये 5 लहसुन के जवे हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था। ये 3 फ्रेश करी लीव हैं, अगर आपके पास फ्रेश नहीं तो आप ड्राई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ये बादियन का फूल है, 1 बड़ी इलायची और 2 सब्ज़ इलायची। इसमें है 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत और 5 लौंग। ये 1 टीस्पून साबुत कुचल धनिया। ये 1 टीस्पून नमक। और ये 1/4 टीस्पून हल्दी। ये 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, इन्हें दरमियान में मैंने कट लगा दिए, ये भी मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और दरमियान में मैं चेक करती जाऊंगी। और फ्लेम जो है मैंने लो कर दी है, क्योंकि लो फ्लेम पे जो इसकी यखनी है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसे चेक करने लगी हूँ। 40 मिनट मैंने लो फ्लेम पर इसे पकाया है। एक बॉल जो था फर्स्ट मैंने हाई फ्लेम पे मैंने इसको दे दिया था, फिर लो फ्लेम करके मैंने 40 मिनट में इसे तैयार की है। चिकन जो है बिल्कुल गल चुका है। अब मैं इसको छान के अलग करके चिकन के जो पीसीज हैं वो मैं कर लूँगी। सेपरेट कर ली है चिकन के, मैं पीसेस कर लूँगी और जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिर बाद में स्टार्ट करते हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून हल्का सा फ्राई करूँगी, ब्राउन नहीं करना इसे। मैं ऐड करूँगी शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर। एक स्मॉल हाफ मैंने शिमला मिर्च ले ली थी और 1/2 कप बंद गोभी और एक स्मॉल जो है वो मैंने चाइनीज़ गाजर बारीक बारीक काट ली। और ये 1/2 स्प्रिंग ऑनियन। अब मैं इन्हें हल्का सा इसी बटर इसमें फ्राई करूँगी और फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें 1/2 कप कॉर्न जो है वो मैं डाल रही हूँ। ये रेडी टू ईट कॉर्न्स हैं। अब मैं इसमें यखनी ऐड करूँगी। मैं कवर कर दूंगी, जब सब्जियां 1/2 गल जाएंगी तो जो बाकी स्पाइसेस हैं फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। सब्जियां काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, अब मैं इनमें डाल दूंगी स्पाइसेस। ये 1 लेमन जूस, 1 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई, 2 टेबलस्पून सोया सॉस,
2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। और सारी स्पाइसेस मैंने डाल दी हैं। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर मैं इसे इसमें डाल दूंगी कॉर्नफ्लोर। एक कप पानी में मैं 5 जो टेबलस्पून है वो कॉर्नफ्लोर के ऐड करूंगी। इसे अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लेना कॉर्नफ्लोर को। चलिए अब मैं इसे सूप में डाल दूँ। सब्जियाँ और चिकन हर चीज़ बहुत अच्छी तरह जो है वो मिक्स हो चुकी है। अब मैं लो फ्लेम पे सब्जियाँ, चिकन और हर चीज़ जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कॉर्नफ्लोर जो पानी में मैंने मिक्स किया है। पहले मैं फ्लेम जो है बिल्कुल ही लो करूँगी, क्योंकि ज़रा सी फ्लेम अगर हाई हुई तो वो कॉर्नफ्लोर जो है वो गुठलियाँ बन सकती हैं। करके ऐड करती जाऊंगी और चम्मच जो है वो मैं हिलाती जाऊंगी। लो फ्लेम पे थोड़ा सा मैं इसे मिक्स करके कॉर्नफ्लोर को फिर मैं इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दूंगी, ताकि जो सूप है वो ज़रा अच्छी तरह जो है वो गाढ़ा हो जाए, ठीक हो जाए। यानी कि अब ये एक अंडा मैंने फेंट लिया, ये मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा थोड़ा, और चम्मच जो है वो मैं हिलाती जाऊंगी ताकि वो एक जगह पे इकट्ठा ना हो जाए। आप अगर चाहें तो 2 अंडे भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में अंडे ज़्यादा नहीं मतलब सूप में पसंद करते, तो इसलिए मैंने एक डाला है, तो आप 2 अंडे भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें नमक जो है, जब मैंने चिकन बॉईल करने लगी थी तो मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया था। तो आप अपने फ्लेवर के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में 1 टीस्पून जो है वो काफ़ी है। लेकिन फिर भी आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और सूप मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसे बाउल में डालती हूँ। सूप मेरा तैयार हो चुका है और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। आप मेरी रेसिपी को जो है वो इसी तरह ही फॉलो करें और सूप बनाएं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। और ये तो सर्दियों का ख़ास एक तोहफा होता है, तो आप इसको बनाएं घर वालों को, आप अपनी फैमिली को बना के ये पलाएं सूप, इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।